Now, let's do a quick energetic vibration feel कर लेते हैं, right? To do the energetic facial. Everybody, please rub your hand. Rub कीजिए. जैसे मैं कर रही हूँ, please वैसे ही करना. मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ. थोड़ा दूर हाथ को, थोड़ा पास, थोड़ा दूर, थोड़ा पास. फील द वाइब्रेशन इन योर हैंड्स. ओके, स्लोली वाइब्रेशन फील कीजिए. अब लेट मी इन्वोक टू द डिवाइन सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर. हमारे सारे जितने भी गुरुए हैं उन सबको प्रणाम, सारे एंजल्स को प्रणाम. स्पेशली जो हमें आज फेशियल वाले एंजल्स हैं, ब्यूटी वाले एंजल्स हैं, उनको प्रणाम. प्लीज हमारे इस हाथ के बीच में गोल्डन कलर भर दीजिए. इनहेल, एक्सहेल. फोकस ऑन योर क्राउन, क्राउन में फोकस कीजिएगा. इनहेल, एक्सहेल. इनहेल, एक्सहेल. इनहेल एंड एक्सहेल. नाउ टेक दिस गोल्डन कलर एंड अप्लाई इट ऑन योर फेस. स्लोली, वेरी स्लोली अप्लाई इट ऑन योर फेस. स्कल्पिंग मैं बाद में सिखाऊंगी कैसे आपको अपने फेस का स्किन टाइट करना है. अभी मैं बस डेमो दे रही हूँ. ओके, इफ यू वॉन्ट टू डू वन मोर टाइम यू कैन डू इट. जस्ट इन्वोक टू द एंजल्स ताकि वो आपके एक गोल्डन बॉल बना दे एंड उसको आपने निकालना है एंड आपके फेस में हल्का सा ऐसे एक लेयर की तरह बना. हमारा ऑरा आता है फिजिकल फेस के पास, एथरिक मैटर्स होते हैं उसमें. जब आप विजुअलाइज करो कि गोल्डन डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर जा रहे हैं. इनहेल, फोकस ऑन योर हार्ट. एक्सेल, सारे पूरे फेस में गोल्डन एनर्जी भर दीजिए. इनहेल, फोकस ऑन योर हार्ट. एक्सेल. नाउ किसी सबके पास मिरर है या फोन है तो एक बार देख के मुझे बता सकते हो किस किस का फेस चमका है. दिस इज 2 मिनट्स लाइक मैगी. अभी टच नहीं करना, अपनी फेशियल पे टच नहीं करना. मां थोड़ी वार्मथ भी फील हो रही है क्या? हाँ, गोल्डन कलर इज वार्म. गोल्डन कलर इज वार्म, करेक्ट. मैंने एक फोकस करके गोल्डन बॉल बनाया एंड देन उसको बोला कि अप्लाई करो अपने फेस में. दो तीन बार ऐसे गोल्डन बॉल बनाई है एंड अप्लाई इट स्लोली एंड देन फील द ग्लो इन योर फेस. किस किस ने फील किया प्लीज ओपन योर माइक. मैम मैंने तो सिर्फ हीट महसूस करी है. ओके ओके, रम्मा नंदिनी जी हैंड्स अप. अच्छा आप बाहर है. ओके, यू कांट अनम्यूट नहीं कर सकते. ओके फाइन, थैंक यू फॉर योर फीडबैक. मैम मैं कैसी लग रही? मैम कांट हियर यू. नम्रता जी बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्लोइंग.
जानवी, वेरी नाइस, एक्सेलेंट. बंधन जी आपको कैसा लगा? प्रमिला, ओके, हाँ जी बताइए. मैम बढ़िया लगा बहुत. थैंक यू. हाँ जी बताइए. मैम जैसे जैसे आपने कहा बहुत अच्छे से हुआ. अब कोई और तारीफ करे तो पता चले. बाकी जब आपने क्लास स्टार्ट की तो एकदम लग रहा था, अब मैं कमेंट ही करने जा रही थी, मैम आप तो आज गोल्डन लाइट लग रहे हो फेस पे भी और ड्रेस पे भी. करेक्ट. तो वो गोल्डन एनर्जी बनना है. ओके, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग जानवी. मैं कर नहीं पा रही थी मैम. आई विल डू इट मैम. ओके, डू इट एंड लेट मी नो द फीडबैक. यस मैम. Okay, this is a small demo for facial. Now let me tell you इसमें हम क्या क्या करेंगे. I will teach you scanning. Scanning में कैसा होगा, like chin अगर किसी का बहुत मोटा या ऐसा है तो we will scan that क्या problem है यहाँ पे जो इतना over हो रहा है. Same with all the bodies, like tummy का भी, thighs का, bicep, कुछ भी आप ले लो. It's up to you. Your body, you choose. Okay? So, we will scan the body. We will do cellular healing also in this. Cell level mein jaake hum fat nikalenge. Theek hai? And we will cleanse, moisturizing karenge through energies. This is all energy work. Jaise abhi energy kiya waise. Apne andar se hi sari colors leke aayenge. Apne andar hi हम मॉइस्चराइजिंग भी करेंगे. फिर फॉर एग्जाम्पल आपको बॉडी शेमिंग है, आजकल बच्चों में होता है ना बॉडी शेमिंग, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मेरा चिन ऐसा है, मेरा आईज अंदर है, मेरा अंडर आई है, पता नहीं क्या क्या है आजकल के बच्चों में ना, जो दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं अपने आप. तो वो चीज वैसा कुछ होगा आपके अंदर या किसी भी तरीके का इमोशनल प्रॉब्लम है. बेसिकली वेट गेन होता है इमोशनल, ज्यादातर इमोशनल. तो वो इमोशंस निकालेंगे. फिर हम उस स्किन को स्ट्रेंथनिंग एंड टाइटनिंग करेंगे. ठीक है. फिर रीजनरेशन करेंगे, रीजनरेशन थ्रू गोल्ड. Okay, this is one class. This is facial, energetic facial. Now, let's just one question. जैसे कि अभी हमने warmth feel करी, तो जैसे अगर face के pores जो होते हैं, वो खुले हुए होते हैं ज्यादा, वो भी बंद होगा, वो भी बंद होगा. तो warmth से जैसे वो और खुलेंगे या फिर tightening के लिए हमें contrary मतलब कूलिंग अफेक्ट भी दे सकते हैं? नहीं, इसमें वार्म्थ और कूलिंग का कोई सेंस मतलब वो नहीं है. इफ द पोर्स इज ओपन देन वी विल डू स्ट्रेंथनिंग एंड रीजनरेशन. रीजनरेशन जब करोगे ना तो अपने आप टाइटनिंग हो जाएगी, अपने आप टाइटनिंग हो जाएगी. ओके. और जैसे मैम काफी लोगों को एक्ने ब्रेकआउट भी होता है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, उसमें भी क्लेंजिंग विल हेल्प. या या, इट्स अ एंटायर फेशियल किट व्हिच वी आर यूजिंग. ओके.